बहुत लंबा प्रोटेस्ट चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को ख़ास तौर से पूरी आज़ादी दी है कुछ दिन के लिए कि ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, चाहे 5,000 भी शाहीन बाग पूरे इंडिया के अंदर आ जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी अच्छी चीज़ दी है, 3 लोगों की एक टीम बनाई है इस प्रोटेस्ट के बारे जानने परखने के लिए। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं निकलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी सरकार से कि आपकी मर्ज़ी जो चाहें करें। फिलहाल तो ये 3 डिसीजन लिया गया है। शाहीन बाग के एरिया में एक डुप्लीकेट छोटा सा ये इंडिया गेट बनाया गया है ताकि लोग देखें आकर के कि यहाँ क्या होता है। हमारे साथ पूरे देश से लोग आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। हम सबसे जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है। भाई आपका नाम? मेरा नाम अख्तर अली है। अख्तर साहब, बहुत लंबा संघर्ष चला जी, बहुत इल्ज़ाम लगे जी, तरह तरह की बातें आई, अब क्या सोच रहे हैं? अब लगे रहेंगे, इसका इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए, हाँ, मोदी जी से इंसाफ चाहिए। आप लोगों ने बहुत कोशिश की जी कि अमित शाह जी छोटे छोटे गलियों में पर्चे बांटते थे जाकर के जी, मगर आपसे बात करने नहीं आया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे, आवाम ही सब चीज़ है, आवाम ने हमने उनको बनाया है। आपका नाम? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, बताओ फास्ट वाले हो क्या? नहीं, फास्ट बॉलर। अच्छा, चलो बाहर गए। बहुत लंबा संघर्ष चला और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है, अब क्या करना है? अभी हमें ये करना होगा कि हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इतना लंबा संघर्ष किया और आगे तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया गया जो संविधान के खिलाफ जाएगा, और तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए लड़ेगा उससे जी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो जाएगा उसकी लड़ाई होगी जी। आपका नाम? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, कहाँ से आए हैं? सिमावली से। संभाग बहुत दूर से आए हैं। क्या किस लिए यहाँ आए? प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन कुछ गाइडलाइन दी है सरकार ने आप लोगों के लिए? नहीं जी, नहीं मालूम। नहीं, कोई नुमाइंदा आया ही नहीं, बताओ। आए नहीं, कोई नुमाइंदा आया ही नहीं सरकार की तरफ। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक ऑफर और किया था कि आप लोग आगे हमसे बात कीजिए वहाँ, मतलब गृह मंत्रालय जा करके, तो आप लोग क्यों नहीं गए? नहीं, कहाँ कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? नहीं गए, वो बुला करके ये कह दिया जी नहीं, हमारे साथ तो कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ, जो हमने कोई बात नहीं किया, हमने किसी से मिलने का वादा नहीं किया, कैसे आएंगे मेरे पास? न्यूज आई थी कि शाहीन बाग की तरफ से कहा गया था कि हम लोग 10,000 लोग जाएंगे, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई 10,000 नहीं, आप 5 आदमी भेजिए, 3 भेजिए। उसने भी नहीं भेजा, एक डेलीगेशन तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और पूरी टीम है और सबकी अपनी अपनी दर्द है, इसलिए गृह मंत्री जी सबके हैं, किसी एक धर्म के लोग तो नहीं है यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री सबके हैं। तो वो चाहते तो अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके एक मैसेज यहाँ छोड़ सकते थे। तो गोया कि अगर गृह मंत्रालय चाहता तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक मैसेज छोड़ सकते थे यहाँ के लिए, मगर उन्होंने नहीं किया। अब देखते जी, से बताइए आप लोग, जब हजार आदमियों की कंप्लेन कर सकते हैं वो हजारों आदमियों की बाहर में जाके, तो क्या एक नुमाइंदा यहाँ नहीं भेज सकते हैं क्या? यहाँ पे कंप्लेन के, यहाँ पब्लिक नहीं है, आवाम नहीं है, यहाँ पे दिन रात बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लोग मर रहे हैं, आखिर तो यहाँ पे एक नुमाइंदा भी तो भी भेज सकते थे अमित शाह जी। हजार कंप्लेन करने के लिए उनके पास वो है, सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा सुल्तान जाम है वहाँ, उसमें खर्चे नहीं लग रहे, यहाँ आने में खर्चे लग रहे हैं क्या? तो गोया के पब्लिक की शिकायत है, ये शाहीन बाग गृह मंत्रालय से मुश्किल से 10 किलोमीटर के फासले पे है, 10-12 किलोमीटर ही है, और बीजेपी का पूरा डिपार्ट दिल्ली में ही है, अगर चाहता तो वो बात कर सकता था आकर के पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने किया नहीं है जी। बताइए आप। मेरा नाम तालिब है, संभल से हूँ। मेरा संभल से आया वो, संभल से इतने दूर। मैं ये कहता हूँ कि गृह मंत्री जो हैं वो सारे देश के गृह मंत्री हैं, मुसलमान के, हिंदू के, हर पक्ष के, तो यहाँ पे एक चार महीने के बच्चे की मौत हो जाती है, वो नहीं आएंगे देखने को? उनका फर्ज बनता है, जनता की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो वहाँ बुला रहे हैं इतने सारे लोगों को, वो नहीं आ सकते यहाँ पे? आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, तो उनको आना चाहिए था। अच्छा, आप लोग सब एक आवाज में बोलिए कि गवर्नमेंट से क्या है मांग? सीएए वापस ली जाए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वापस ली जाए, ठीक है, किसी भी सूरत में वापस ली जाए, क्योंकि बस यही मेरा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर 5,000 भी धरना होंगे प्रदर्शन इंडिया में तो भी कर सकता है वो अपने संविधान के तहत,
इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? तो ये काला कानून संविधान के तहत कहाँ बना है, ये तो संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात ये कहा है, एक बड़े जज ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के, कि हमें लगता है कि देश के अंदर कानून कुछ बचा नहीं है, अब दिल देश छोड़ दो। बिल्कुल उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने दो चीज़ों पर जबरदस्त कब्जा कर रखा है, एक तो जुडिशरी पे, दूसरा मीडिया पे। मीडिया अगर चाह ले जिस दिन खुल करके दिखाना शुरू कर दे लोगों की तकलीफ को, उस दिन मामला ठीक होने लगेगा, खुद ब खुद होने लगेगी। अब देखिए अंग्रेजों के दौर में भी लाइब्रेरी में पुलिस कभी नहीं गई, जो अभी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कानून की क्या हालत है। अलीगढ़ में हॉस्टल में आग लगाए पुलिस वालों ने, जामिया के अंदर क्या हालत है, दो तीन दिन से सीसीटीवी का फुटेज आ गया है, सबको पता है क्या हो रहा है। ये है कानून व्यवस्था। पहले पुलिस इनकार कर रही थी, दो महीने पहले पुलिस कह रही थी कि गोली नहीं चली, बाद में माना गोली चली। पहले कहा उन्होंने लाइब्रेरी में पुलिस गई नहीं, सबके सामने है पुलिस कहां कहां तक गई है, तो पूरा फुटेज सामने आया। जब सामने आ गया सबके, पहले भी वीडियो तो था लेकिन सीसीटीवी का फुटेज नहीं था। देश के अंदर जो राज चल रहा है, जो कानून व्यवस्था चल रहा है, वो अपनी मर्जी का चल रहा है। जनता इससे बहुत ही नाखुश है, बहुत से फुटेज आए हैं जामिया से लेकर अलीगढ़ तक का, और जिस तरह के हालात शाहीन बाग के अंदर हैं आप देख सकते हैं, चारों तरफ घेरे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। जब तक सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी तो ये हटने वाले नहीं हैं। मैं एम एस अख्तर खान, मैं एम एस अख्तर के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। मैं एम एस अख्तर खान, परमत न्यूज़, न्यू दिल्ली।